हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन में ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं, ऑपरेटर कौन कौन से हैं। तो पाइथन में देखिए 7 ऑपरेटर हैं कुल मिला के। कौन कौन से? पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर, चौथा है लॉजिकल ऑपरेटर, पांचवा है आइडेंटिटी ऑपरेटर, और छठवा है मेंबरशिप ऑपरेटर, और लास्ट में आता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक को एनालाइज करते हैं। देखिए अर्थमेटिक में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं। अर्थमेटिक में आपका प्लस माइनस डिवाइड ये सब चीजें आती हैं, ठीक है ना। अब असाइनमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, असाइनमेंट में इक्वल टू आता है। तो जैसे x इक्वल टू 5 लिखा, y इक्वल टू 6 लिखा, इस तरीके की चीजें आती है, ठीक है ना। तो उसके बाद एडिशन असाइनमेंट आता है। जैसे यहां पर देख सकते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू x, ये जो लिखा हुआ है ना इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। x इज इक्वल टू x माइनस 7 ये है आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, इसी तरीके से सारे ऑपरेटर। एक्सपोनेंट एक और है, इसमें जब दो बार इनटू का साइन देते हैं तो वो एक्सपोनेंट हो जाता है। उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या क्या होता है? इक्वल टू जब लगाते हैं तो कंपैरिजन होता है। ये देखिए ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है, और ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। तो इस तरह की चीजें होती है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है, ठीक है। असाइनमेंट हमने देखा, ठीक है, कंपैरिजन हमने देखा, इसके पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक समझा। लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या होता है और किस किस तरीके से इसको देखेंगे हम। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या क्या आता है थोड़ा सा उसको भी देख लिया जाए। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूं, समझ लीजिए अच्छे से। एंड है, ठीक है, और है, नॉट है, ये सब लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है आपका बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर में ये देखिए, ये एंड है, यहाँ पे और देख सकते हैं, ये एक्टर ऑपरेटर है, ये नॉट ऑपरेटर है, यहाँ पे ये नॉट इस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से लगाया गया, ये इस तरीके से लगाया गया, साइन राइट शिफ्ट करके है, ये लेफ्ट शिफ्ट है। तो ये सब क्या है? ये बिटवाइज ऑपरेटर में आता है, ठीक है। ऐसे ही और भी ऑपरेटर होते हैं जिसे आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं, जैसे इज है, इज नॉट है, तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर में आता है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर जिसका हम लोग लूप में अक्सर यूज करते हैं, फॉर आई इन रेंज, तो इन जो है वो जो है मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। बिटवाइज मैंने बताई दिया, इसमें एंड आता है, और आता है, एक्स और आता है, नॉट ऑपरेटर आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो है। तो कुल मिला के 7 ऑपरेटर है। अब इनका यूज मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कैसे कैसे यूज करना है। अब मान लीजिए एक कंपैरिजन ऑपरेटर ही हम अगर ले लेते हैं, तो यहाँ पाइथन की ट्रेडिशनल आईडी मैंने ओपन की है, यहीं पे कोडिंग करके दिखाता हूँ। x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, और y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। और यहां पर अगर यूज करना है आपको वो ऑपरेटर, तो मैं यूज करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे ना, तो ये देखिए ये लिखा प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू वाई, ये लिख दिया ना। अब यहां पर ये आंसर फॉल्स में देगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको सेव करता हूं F5 करके, तो यहां पर मैं इसको किसी भी नाम से सेव करता हूं .py लगा के, तो अभी देखेंगे आप कि यहां पे ये फॉल्स में रिजल्ट देगा। तो ये देख सकते हैं ये फॉल्स में रिजल्ट दे रहा है, देख रहे हैं। तो ये जो है कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसी तरीके का एक नॉट इक्वल टू होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए सेम यही चीज रखते हैं हम, यहां पे नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू कैसे यूज करेंगे? तो यहां देखिए नॉट इक्वल टू ऐसे यूज करेंगे, ये देखिएगा कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये नॉट इक्वल टू, ये देखिए नॉट इक्वल टू ऐसे बनेगा कंपैरिजन ऑपरेटर में। तो ये हो गया, यहां पर एंटर किया, ये देख सकते हैं यहां पर ट्रू में इवैल्यूएट कर रहा है कि ये नॉट इक्वल टू ही है, ठीक है भाई। 3, 5 और 3 बराबर कहां है? ये तो बराबर है ही नहीं, तो नॉट इक्वल टू इस तरीके से यूज हो जाएगा। तो ये नॉट इक्वल टू का यूज था। इसी तरीके का एक और ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का भी यूज पहले बता चुका हूं, अब इसी में बता देता हूं। देखिए ये है ना ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहां पर अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगाता हूं इस तरीके से और F5 करता हूं, एंटर करता हूं, तो अब देखिए ये ट्रू कह रहा है, यानी कि 5 जो है 3 से तो बड़ा ही है भाई, तो ट्रू आएगा। तो ये कुछ ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर मैंने आपको समझाया? कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरीके से आप असाइनमेंट ऑपरेटर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल असाइनमेंट ऑपरेटर का भी आपके सामने रखता हूं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 5, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। x इक्वल टू 5 लिया हुआ है ना, अब यहां पर अगर मैं x को सिंपली प्रिंट करा देता हूं तो यहां पे 5 प्रिंट हो जाएगा। देखिए 5 प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसी तरीके का और भी असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर दिया गया है असाइनमेंट ऑपरेटर, आपको मैंने बताया है इनटू वाला, ठीक है। तो यहां पर x इक्वल टू 5 दिया है ना, तो यहां पर अब आते हैं, एंटर करते हैं, यहां पे क्या करते हैं, यहां पे x और यहां पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 लिख देते हैं, ऐसे लिख दिया।
ठीक है ना। तो ये हो गया, आप यहां पर क्या करेंगे प्रिंट करवा देंगे, तो नीचे प्रिंट ऑलरेडी करवाया हुआ है, इसी को मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। तो यहां पे x को प्रिंट करवा रहा हूं और यहां से F5 करता हूं, तो देखिए 5 × 5 = 25, 5 में 5 का ये मल्टीप्लाई करके दे दे रहा है, देख रहे हैं। तो ये जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर है, समझ में आई बात। अब असाइनमेंट के बाद और भी ऑपरेटर था, जैसे इन ऑपरेटर है, तो इन ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे ये मैंने आपको बताया। जैसे रेंज फंक्शन आप लगाते हैं ना रेंज, तो जैसे मान लीजिए यहां पर आ जाइए, जैसे मान लीजिए ये लिखा फॉर आई इन रेंज RANGE, ये लिख दिया, ठीक है। तो यहां पे इन ऑपरेटर यूज किया मैंने, ठीक है, इन एक ऑपरेटर है, इन का मैंने यूज किया है, और इसको चला देता हूं अगर F5 करके, तो ये देखिए, ये देख रहे हैं 0 to 9 प्रिंट होगा, ये देखिए 0 to 9 प्रिंट कर रहा है कि नहीं, तो 0 to 9 इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, समझ गए बात को, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ऑपरेटर्स का आप यूज कर सकते हैं, तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।